हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पर, जहाँ पे आज अगेन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे आप बच्चों के लंच में बनाएं या बनाएं अपने ब्रेकफास्ट में। बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आने वाली है, झटपट बनाने वाली ये रेसिपी है। बहुत ही कम घी और तेल के साथ इसे बनाएंगे और घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। बनाने चलेंगे इस रेसिपी को, जिसके लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं एक बड़े बर्तन में 2 कप करीब गेहूं का आटा। आप नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आटा ले सकते हैं। नॉर्मल आटा है जिसके हम घर में रोटियां बनाते हैं, पहले से ही छान के लिया है। और जिस कप के नाप से यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है, उसका पूरा हाफ कप यहाँ पे हमने ऐड करा है सूजी को, जिससे हमारा नाश्ता बहुत कुरकुरा बनेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं पूरा 2 चम्मच भर के बेसन। ज़्यादा बेसन की नीड नहीं है, बस 2 चम्मच बेसन से ही नाश्ते का टेक्सचर और उसका टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा हो जाएगा। और बस यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर यहाँ पे हमने ऐड करा है। 1/3 चम्मच करीब यहाँ पे हम ले रहे हैं चिली फ्लेक्स, ऑप्शनल है, बच्चों के लिए बना रहे हैं चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच भर के भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करा है। 1 चम्मच यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं सफ़ेद नमक, यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमने 2 बार सफ़ेद नमक ऐड करा है 1/2 चम्मच। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के यहाँ पे हम डाल रहे हैं सफ़ेद तेल, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी इस रेसिपी में। और साथ में ही थोड़े से करीब 1/3 चम्मच करीब यहाँ पे हमने डाले हैं कलौंजी। 2 चम्मच ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हम देसी घी, आप चाहें तो यहाँ पे 2 चम्मच करीब ऑयल भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे देसी घी का यूज़ करा है, मेल्ट करके 2 चम्मच भर के यहाँ पे हमने देसी घी ऐड कर दिया है। और बस सभी इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से हमने एक बार मिक्स कर लेना है। यहाँ पे एक बार इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि घी हमारे सारे ही आटे पे कोट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आटे को बांध कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बाइंडिंग आ रही है। बस 2 चम्मच घी से ही नीड के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा किया जा सकता है। लगता है बाइंडिंग नहीं आ रही, आप हल्का सा घी और ऐड कर सकते हैं। धनिया भी डाल के हमने मिक्स कर लिया है और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक नॉर्मल डो लगा लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, एक नॉर्मल डो लगा के हम इसका तैयार करेंगे। और बस यहाँ पे हमने इसका एक डो लगा के तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं नॉर्मल डो है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। और बस अच्छे से मसलते हुए हमने लगा के तैयार करना है। पूरे 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे कि सूजी भी फूल जाए और हमारा आटा अच्छे से सेट होकर तैयार हो जाए। और बस चलेंगे गैस की तरफ। गैस पे रखा है पैन, पैन में ऐड कर रहे हैं करीब 2 चम्मच ऑयल। यहाँ पे हमने सरसों के तेल का यूज़ करा है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। तेल को गर्म करेंगे, ऐड करेंगे 1 चम्मच करीब जीरा, और साथ में यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1/4 चम्मच करीब हींग पाउडर। जीरे को चटकने देंगे और उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स। स्टफिंग के लिए आप वेजिटेबल्स मनचाही ले सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 1/2 कटोरी करीब ग्रेट की हुई गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च साथ में ऐड कर रहे हैं बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए। करीब 1 से 2 चम्मच काजू, जिन्हें हमने थोड़ा रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमने करीब 5 उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें हमने बारीक ग्रेट करके यहाँ पे ऐड करा है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, अगर काजू अवेलेबल हो तो ज़रूर डालिएगा। इस रेसिपी में काजू का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो यहाँ पर किशमिश भी ले सकते हैं बारीक चॉप करके। 2 चम्मच करीब धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1/4 चम्मच करीब लाल मिर्च, बच्चों के लिए आप लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। 1/2 चम्मच करीब सौंफ पाउडर, 1/3 चम्मच करीब हल्दी पाउडर ऐड करा है, 1/3 चम्मच करीब गरम मसाला, और 1/2 चम्मच ऐड कर रहे हैं नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और बस सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप कोई और वेजिटेबल्स चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मसाले भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और बस गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए हमने सारे ही मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारी स्टफिंग को हमने बना के तैयार कर लिया है, उतार लेंगे इसे एक बर्तन में और हमने इसे ठंडा होने देना है। बताना चाहेंगे बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी इंग्रेडिएंट्स को। और जब स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, हाथ से टच करने लायक हो जाएगी, तो बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते हुए हमने इस तरह से इसके पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, बस मीडियम साइज़ के हमने पेड़े बना के इसके तैयार कर लिए हैं। इस तरफ हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। हाथ को हल्का सा ग्रीस करते हुए आटे को एक बार और मसल लेंगे, जिससे कि हमारा आटा थोड़ा सा और अच्छा स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे हमने आटे को और मसल लिया है थोड़ा सा, और बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा आटे का पोर्शन नहीं लेना है, नॉर्मल जैसे पूरी बनाने के लिए लेते हैं बस उतना ही आटे का पोर्शन लिया है।
थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से हाथ से ही। और इस स्टफिंग को हमने यहाँ बीच में रख देना है, उसे अच्छे से हमने अंगूठे से अंदर तरफ प्रेस करते हुए इसे पैक कर लेना है। और बस इसी तरह से हमने हमारे सारे इस नाश्ते को भर के तैयार कर लेना है। ज़्यादा आटे का पोर्शन नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते हुए इस स्टफिंग को इसके अंदर रखते हुए इन्हें पैक कर लेंगे। बच्चे जब लंच में रोटी सब्जी ले जाने के लिए तैयार नहीं हो तो आप इस तरह से ये रेसिपी उन्हें बना के दे सकते हैं। इसकी तैयारी आप रात को भी करके रख सकते हैं और बस इन्हें पैक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत जल्दी इस तरह से स्टफ करके इन्हें पैक करके रख सकते हैं। सेकेंगे भी बहुत ईजी तरीके से ले रहे हैं। अप्पे पैन थोड़ा थोड़ा सा घी डालते हुए हमने इसे ग्रीस कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे देसी घी का यूज़ करा है। और बस जो हमने हमारे नाश्ते को स्टफ़ करके रखा है गेहूँ के आटे में, उसे एक एक करके यहाँ पे रख देना है। ऊपर से भी हल्का सा ग्रीस कर देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा ऊपर से भी हमने इन्हें ग्रीस कर देना है। और इन्हें हमने अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर सेक लेना है। हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे, ना ही लो फ्लेम पे सेकेंगे, नहीं मीडियम फ्लेम पे सेकेगा। और बहुत जल्दी 5 मिनट में ही चारों ही साइड से ये अलट पलट करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख कर आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। चारों तरफ से अच्छे से इन्हें सेकेगा, बाहर से क्रिस्पी लेयर, अंदर से आलू की स्टफिंग। बहुत ही मज़ा आ जाएगा जब बच्चों को आप इस रेसिपी को सर्व करेंगे घर में, बड़े भी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने अलट पलट करते हुए इन्हें सभी तरफ से सेक कर तैयार कर लिया है और बस एक एक करके इन्हें उतार लेंगे। किसी में कोई कमी होगी तो उसे सेक लेंगे और आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ये सेक कर तैयार हमारे हो गए हैं सर्विंग के लिए। एक बैच को सेकने में करीब हमारे 5 से 6 मिनट लगते हैं और बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये मीडियम फ्लेम पर सेक कर तैयार हो जाते हैं। आप इनका टेक्सचर, इनका कलर देख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं बाहर से, अंदर से आलू की स्टफिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से अंदर तक सेक कर तैयार हैं। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपके घर में बड़े बच्चे सभी बहुत पसंद करेंगे और बहुत ही ईजिली बनके तैयार भी हो जाएगी। थोड़ा सा समोसे का फ्लेवर देते हुए, तो थोड़ा सा कचौड़ी का फ्लेवर देते हुए बहुत ही बढ़िया रेसिपी आपकी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।